वैदिक टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मेघा। देखते हैं आज स्पेशल स्टोरी में आपके लिए क्या कुछ खास है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐप की जिसका नाम है असॉर्ट। असॉर्ट दरअसल भारत की पहली को कॉमर्स कंपनी है जो देश के अलग अलग जगह से आने वाले माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रही है। यहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, साथ ही एक कम्युनिटी के तौर पे खुद को ग्रो कर सकते हैं। ये कंपनी भारत में तेजी से विकसित हो रही है। हाल ही में डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की असॉर्ट कंपनी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से असॉर्ट से जुड़े बिजनेस ओनर्स के लिए काफी मदद होगी और वो भी आसानी से। ऐप के बारे में कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर असॉर्ट के हेड अमरीश रंजन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक कस्टमर के लिए भी है और जो हमारे सेलर कम्युनिटी है जो हमारे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से परचेज करके आगे सेल करके अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, उन दोनों लोग के लिए ये बहुत ही आसान बना दे रहा है बिजनेस को करना। वेबसाइट भी है हमारी, लेकिन वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप वेबसाइट मोबाइल पे खोलें तो वो चीज़ दिखती नहीं है या उस चीज़ का यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन वही बातें ऐप में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं और लोगों को उसकी यूज़फुलनेस बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये हुआ हमारे कस्टमर्स के लिए, जो कुछ भी नया परचेज़ करना चाहता है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा परचेज़ करना। दूसरा, जो बिज़नेस करना चाहता है, जो हमारे सेलर कम्युनिटी है, उनके लिए भी बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हमने डाले हैं। यहाँ पे लगभग हर तरीके का सामान अवेलेबल है। आप चाहे गारमेंट्स ले लीजिए या मोबाइल फ़ोन ले लीजिए या ग्रॉसरी आइटम ले लीजिए, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले लीजिए, डेली की जो आपके यूज़ के सामान है आप वो ले सकते हैं। उस तरीके के सारे आइटम फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव अवेलेबल हैं। लेकिन ये केवल एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें हमने बहुत सारे और भी फीचर्स ऐसे डाले हैं जिससे हमारी सेलर कम्युनिटी अपने आप को एक अलग तरीके का अपग्रेड करने मतलब कर सकती है इससे। और उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक इसमें सेक्शन है एक्सपीरियंसेस का, जहाँ पे वो कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं या ख़ुद भी एक ट्रेनर बन सकते हैं। एक इसमें फीचर है फीड का। फीड क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई असॉर्ट में कुछ लॉन्च हुआ या कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लेटेस्ट अपग्रेड है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, वो सारी चीज़ें आप उस फीड में जाके देख सकते हैं रियल टाइम। जैसे आप फेसबुक से स्क्रॉल करते हैं, रियल टाइम अपडेट आती रहती हैं उसमें, वैसे ही वहाँ पे भी अपडेट्स लोगों को आती रहती हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना इस ऐप के थ्रू ज़्यादा ईजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू या बनस्पत उस वेबसाइट पे। पहले तो हमारा 10 लाख का डेटाबेस का कम्युनिटी बेस है, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आपके पास 10 लाख कम्युनिटी बेस है तो कोई भी सेलर होगा वो जब देखेगा ऑलरेडी पहले तो कितना बड़ा कम्युनिटी बेस है, दूसरा इनके पास ऑलरेडी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो वेबसाइट पे और जो ऐप पे दिख रहे हैं। तो जब कोई भी सेलर हमारे पास आता है तो वो ये सारी बातें देखता है कि मेरे वॉल्यूम्स कितने निकलेंगे, मेरा माल कितना बिकेगा, कितने ऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं डेली बेसिस पे। एक इसमें सेक्शन है ऐप में ही वॉन्ट टू बिकम अ सेलर पार्टनर, तो वो उस पर वो क्लिक करेगा और वहाँ पे एक फॉर्म भरेगा। जब वो फॉर्म भरेगा और बताएगा कि मैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ मतलब सेल करना चाहता हूँ और अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उस फॉर्म में भरेगा, हमारी एक टीम है पूरी जो उसको स्क्रीन करेगी, स्कैन करेगी और वेरीफाई करेगी कि ये सेलर पार्टनर हमारे वहाँ आने के लायक है कि नहीं या ये इतने वॉल्यूम्स दे पाएगा भी कि नहीं। वो सारा फिर एक उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे ही वो क्लियर करता है फिर हम उसके प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड करते हैं। असॉर्ट के वेबसाइट से हटकर ये ऐप कम्युनिटी के लिए कई सेक्शंस लेके आ रही है जिसमें इससे जुड़े बिजनेस ओनर्स के कामों को न सिर्फ रफ्तार मिलेगी बल्कि वो खुद को ग्रो भी कर सकेंगे। ये ऐप फिलहाल एंड्रॉयड और iOS पे उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। पूछने पर रंजन ने बताया कि अभी ऐप अंग्रेजी में उपलब्ध है लेकिन आने वाले कुछ समय में इसे हिंदी में लाने की भी योजना है।
साथ ही और भी कई भारतीय भाषाओं में इसे लाया जाएगा। फिलहाल एक नजर डालते हैं ऐप के कुछ फीचर्स पर। आपको इस इंफॉर्मेशन के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इस एसॉट ऐप से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एसॉट ऐप के ऊपर। लेट्स एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर द एसॉट ऐप कि एग्जैक्टली है क्या एसॉट ऐप। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, गारमेंट्स खरीदना चाहते हैं, और थोड़ा सा अगर इसको हम आगे जाके देखेंगे ऐप में तो और क्या क्या इसमें आप खरीद सकते हैं। एनी ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करना चाहे, चाहे वो ग्रोसरी का हो, चाहे वो मोबाइल्स का हो, चाहे वो गारमेंट्स का हो, किसी तरीके का कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करना चाहे, सीमलेस जिसको कहते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आराम से उस ऐप, इस ऐप के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर्स एट योर फिंगर टिप्स, इसीलिए इस लाइन का नाम है। उसके बाद हम बात करें स्टे अप टू डेट विद कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशंस। इस ऐप का एक बहुत बड़ा फीचर है वो है नोटिफिकेशन पार्ट। तीन एस्पेक्ट है इसमें, एक तो पहले ऑर्डर, फिर अपडेट्स और फिर प्रमोशन। आपने एज अ कस्टमर अगर कुछ ऑर्डर करा है तो उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है, आपने क्या ऑर्डर करा है, क्या सही सामान आप मतलब उसमें समरी में दिखा रहा है या नहीं, या उसमें कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपको बाद में कंप्लेंट करनी पड़ सके, तो आप ऑलरेडी उस ऑर्डर के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आता है अपडेट्स। अपडेट्स क्या है कि लेटेस्ट क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं ऐप पे, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आ सकता है, या आपने जो ऑर्डर करा है उनके लॉजिस्टिक अपडेट्स भी होते हैं कि आपका प्रोडक्ट यहां तक पहुंच गया है, अब यहां तक पहुंचने वाला है, उस तरीके के भी अपडेट्स होते हैं। उसके बाद आ गया प्रमोशंस। प्रमोशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, कुछ नए नए ऑफर्स चल रहे होते हैं, तो वो सारे इस नोटिफिकेशन वाली स्क्रीन पे एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, इसीलिए हम इसको को कॉमर्स कहते हैं, कम्युनिटी कॉमर्स कहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो बहुत सारे इसमें बिजनेस भी कर रहे होते हैं इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम वहां पे अब वो अपने ऐप पे ही देख सकेंगे। एक तो उनका कमीशन कितना बना, उनके बिजनेस वॉल्यूम उनके अंडर में नेटवर्क में कितने हुए, और प्लस उनकी जर्नी मतलब वो किस लेवल पे है, आगे और कौन कौन से लेवल है, उनके नेटवर्क में कितने लोग किस किस लेवल पे हैं, तो उस तरीके की भी इंफॉर्मेशन वो अपने इस ऐप से ही देख सकते हैं। सिर्फ फोन से ही वो पूरा का पूरा बिजनेस अपना मैनेज कर सकते हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी, और भी इसमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमने अपनी कम्युनिटी के लिए निकाली है। सिर्फ वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस अगर नहीं कोई करना चाहे तो उसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे ब्रांड एंड वेंडर पार्टनर वो बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, जिनकी खुद भी खुद की ब्रांड्स भी हैं, तो वो अपनी यहाँ पे ब्रांड और वेंडर पार्टनर के तौर पे भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छे नेटवर्क है उनका, बहुत अच्छे इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं, रील्स बनाते हैं, डिजिटल कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर आप वो करना चाहें तो आप उसके लिए भी साइन अप कर सकते हैं, उसके लिए भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होस्ट एंड ट्रेनर, हमारा एक बहुत बड़ा वर्टिकल है एक्सपीरियंसेस का, जहां पे आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान हो, नॉलेज हो, वहां पे आके आप उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और आपको उसके लिए पेमेंट भी मिलती है वो नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो अगर कोई एक्सपीरियंस होस्ट और ट्रेनर बनना चाहता है वो भी इस ऐप के थ्रू रजिस्टर कर सकता है अपने आप। ऐप में बिजनेस ओनर्स को खुद को ग्रो करने के पर्पस से बहुत कुछ शानदार सेक्शंस हैं, जैसे पर्सनल, बिजनेस, टीम एनालिटिक्स और डैशबोर्ड। इनमें टीम एनालिटिक्स एक अलग हटकर है,
जिसके इस्तेमाल से बिजनेस ओनर्स की ग्रोथ इंश्योर की जा सकती है। यहाँ पर यूजर कम्युनिटी में अपनी टीम की एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, जिससे उन्हें सही फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी और कम्युनिटी की ग्रोथ भी इंश्योर होगी। इससे बिजनेस ओनर्स अपनी रीच का भी पता लगा सकते हैं, साथ ही कम्युनिटी के साइज का भी पता चलेगा। जैसे बताया कि हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, तो हमारे जो कम्युनिटी है 10 लाख लोगों की, उनसे वो क्योंकि सेलर भी हैं, वो खरीदते हैं और वो आगे सेल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आप अगर आप पॉपुलर लोगों के आप नाम लें, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके पास ये मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी आके पहले तो एज अ कस्टमर, इसको हम कहते हैं को कॉमर्स, कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स करते हैं, हम केवल अलग से ई कॉमर्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे पास आता है तो उसको ये प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है वो प्लेटफॉर्म उसको वहाँ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसको कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स करने का जो मिलता है वो ASOS पे ही मिल रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है। सर, रूरल इलाके में जहाँ पे, जैसे बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट देता हूँ मैं, डेटा देता हूँ, हमारे जो ऑर्डर्स आते हैं, अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं उनमें से 80% जो ऑर्डर होते हैं वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के ही होते हैं। ठीक है, इससे कहने का मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स कर रहे हैं। वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भले ना जा रहे हों, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से बिजनेस चला रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वैसे तो वेबसाइट यूज़ कर ही रहे थे। अब देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन तो आज की डेट में इंडिया में जितने हैं कहीं नहीं हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से चाइना में ही थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन इंडिया में जितने हैं कहीं भी नहीं है। तो वो एंड्रॉयड फ़ोन ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, जो हमारा रिकॉर्ड कहता है हमारे 90% कस्टमर्स फ़ोन से ही बिजनेस कर रहे होते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं कर रहे होते हैं। तो जब वो फ़ोन से ही बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उनको फ़ोन से ही बिज़नेस करना और आसान बनाए, उसी के लिए ही ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हमारे मॉडल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी और ई कॉमर्स प्लेयर्स को प्रॉब्लम आती होगी। डिलीवरी की व्यवस्था की है आप? उसमें से 27,000 पिन कोड पे हम डिलीवर करते हैं। जब आप हैवी इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है, CCI के अंडर में आता है, वहीं से ही ये कंप्लेंट उठी थी एक्चुअली जब ये कोर्ट में पहुंची। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि आप कुछ प्लेयर्स को आगे करने के लिए उनके उनको फ्रंट पेज पे अपने दिखा के उनको अलग से फेवर दे के जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका नुकसान करते हैं, आप उनको एक तरीके से किल कर रहे होते हैं मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि यहाँ का मॉडल ही अलग है। यहाँ पे हम कस्टमर्स तो मोस्ट वेलकम है ही हैं, लेकिन जो को कॉमर्स मॉडल है, कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्स जो मॉडल है, वो बिल्कुल यूनिक है, वो वहाँ पे नहीं है। इसीलिए उनको ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और छोटे प्लेयर्स को किल करने के लिए। छोटे प्लेयर्स आर ऑल आर वेलकम। एक ऐसे ही हमारा एक कम्युनिटी के थ्रू ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था कि अगर आपका खुद की ब्रांड हो, जैसे आपने देखा भी था उसमें प्रेजेंटेशन में, आप उसको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, तो उसका नाम हमने दिया था मिशन वृद्धि, मतलब आप जहाँ हैं उससे आगे वृद्धि करिए। तो वो कम्युनिटी बेस्ड सेलर भी हैं और साथ में वो वेंडर पार्टनर भी हैं, वो अपनी ब्रांड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं। क्या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट उनको ये सहूलियत देगा? नहीं देगा, हम दे रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ना, इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे हम फ्रंट फुट पे हैं, जिससे कि मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमसे नए जुड़ते हैं उनको डिफरेंस वो दिखता है। जाहिर तौर पर इससे सेल्फ इवोल्यूशन और नई स्ट्रेटजी बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा माई फीड सेक्शन में एक ऐसा डाइवर्स कंटेंट होगा जिसमें डिजिटल इन्फ्लुएंसर वेंडर्स के रिव्यूज होंगे, जिसकी मदद से एंटरप्रेन्योर्स को ओवरऑल एक व्यू मिलेगा, यानी सेल्स के साथ उनकी सेल से कितना फायदा हो रहा है, कम्युनिटी में आखिर उनकी पहुंच कहां तक है, ये सब इस ऐप से पता लगाया जा सकेगा, ताकि बिजनेस ओनर्स अपनी परफॉर्मेंस को ठीक से जज कर सके, उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस प्लान को वो बना सके। ASOS के ऐप को लगातार एक्सप्लोर करने पर आप इसके और भी फायदों के बारे में जान सकेंगे।
कुल मिलाकर बिजनेस और उसके ग्रोथ के लिए ये ऐप बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज जुड़े असोहट ऐप से और इस इकोनॉमिक क्रंच के दौर में खुद को मुनाफे के लिए तैयार करें। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैदिक टीवी। नमस्कार।